सो गाइस अब हम जा रहे हैं एक बनारसी साड़ी का कारखाना है जो कि इसी सारनाथ टेंपल के ही कैंपस में है। एंड जैसे ये रहा टेंपल और यहीं से रास्ता यूँ निकलेगा सीधे और हम जाएंगे वहाँ। तो वहाँ पे कह रहे हैं दिखा बनाते हुए बताते हैं कि किस तरह बनारसी साड़ियाँ बनती हैं, तो देखेंगे मज़ा आएगा। बताओ जी, आ जाए ना सर। जो आप लोग नाम सुनते हैं सर, बनारस का हैंडलूम साड़ी, इसकी खासियत है कि बड़ा बड़ा फैक्ट्री नहीं होता इसकी, एक एक गांव में छोटे छोटे जगहों में कच्चे कच्चे मकान में इसी तरह आपको बनते हुए देखने को मिलता है। और इसकी खासियत है कि जो बनारसी साड़ी बनाने का डिजाइन होता है, आप देख रहे हो जैकेट जो लगा हुआ है, ये जो राउंड कर रहा है, ये पूरी डिजाइन को तैयारी करता है। और तीली जो होती है डिजाइन को उठाती है, साला सारा डिजाइन नीचे 10,000 धागे हैं उसमें पूरे बंधे हुए, 10 साड़ी का लेंथ होता है पूरा। जैसे जैसे बुनाई कर रहे हैं ऐसे पूरे डिजाइन इस पर पूरे बनते हुए चले जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे पूरे कंप्लीट होता है, लेकिन उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता है। अच्छा, साड़ी जब भी बनती है उल्टा बनता है, इस पर देखिए ना पूरा, ये पूरे ऐसे ये नीचे को होगा और ये ऊपर का है। 6.5 मीटर का एक हफ्ता लगता है सर, काम के ऊपर पूरा डिपेंड है। एक हफ्ता लगता है एक साड़ी, साड़ी को तैयार करने में। काम कम रहेगा तो 6 दिन 5 दिन, लेकिन ये बनता है तो बनने के बाद बाजार में जब जाता है 5,000-6,000, इन लोग को तो 2,500-2,000 रुपये के बन जाते हैं। यहाँ पर कोई मजदूरी होता है लेबर का, और इसका कम्प्लीट डिजाइन है आपको कैसे पता लगता है असली या नकली है? यहाँ सर जारी कटता हुआ है। इसमें कैसे कटा, कहाँ कटा है? हमें जो फिलिंग बना रहे हैं, अच्छा प्लेन में रहेगा, जितना बीच में हुनर रहेगा तो कटा होगा, जरी नीचे जरी लोकेगा। हाँ ये असली है। थोड़ी और नॉलेज मिल गई भाई बनारसी साड़ियों के बारे में भी। चलो अगर उसको देखेंगे ना तो उसके नीचे जरी लोकेगा कटा कटा। अच्छा अच्छा, एंड यहीं पे बन के एंड यहाँ पे बेचे इन लोग को, और कारखाना है गाँव में, इन लोग बनवा कर धागे देते हैं इन लोग और वो तैयार कर कर यहाँ देते हैं। अच्छा, इस तरह ही पूरा गांव में है। सिर्फ बनारसी साड़ियाँ ना आपके पास? ये सब भैया यहीं बने? इसी तरह पूरे गांव में बनता है सर, सबके घर घर बनता है सर, गांव में बनता है। हाँ। ये मसीन से नहीं तैयार होता है, इसी तरह सबके घर घर बनता है सर। अच्छा, यहाँ घरों में मतलब ये काम चलता है? ये ऐसी वाली मशीन है लगा रखी सबके यहाँ? अच्छा, दादा घर घर में ये काम है? यही काम ही होता है, बन के दिल्ली जमाते सप्लाई होता है सर, वहाँ पर रेट वगैरह बढ़ जाएगा, इसका जैसा शोरूम रहता है लोग सेल करते हैं। ये 4,500 वाले, 6,000 वाले कौन से हैं? 6,000 के नहीं है, अभी नहीं है, इस समय नहीं है सर, आता है ऑर्डर पर है। ये 4,000 का, 4,500, इसमें क्या वर्क है? ये बीच में जो धागा होता है सर, इसको मीनाकारी, मीनाकारी ना, कपड़ा अलग होता है मीनाकारी, और एक कपड़ा सर अलग आएगा, प्योर होता है सर। अच्छा, इस कपड़े में, इस कपड़े की जमीन दिखाओ जरा सूट के, ये भी वही वाला है? सो गाइस, स्पेशलिटी ये है यहाँ की कि भाई यहाँ पे गांव-गांव मतलब जितने गांव हैं ना, घर घर में ये बनारसी साड़ी बनाने का काम चलता है, हर घर में इस टाइप की मशीन लगी हुई है।
तो घर से ये लोग काम करना अपना शुरू कर रखा है। तो हमने तो काफ़ी शॉपिंग कर ली है 3,500-4,500 की, क्योंकि अच्छे भी थे। तो दिल्ली वाले तो हर चीज़ नाप तोल के लेते हैं बिल्कुल। तो कर लिया भैया, अब जा रहे हैं आगे, देखते हैं। एंड सारनाथ टेम्पल आएँ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करना, बहुत सही है, मज़ा आएगा।